फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चीज़ के बारे में समझेंगे उसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ये हमारा टॉपिक आज इसलिए है कि शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट अनकंट्रोल होते हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पेशेंट्स होते हैं कैप्सुलाइटिस के, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के। असल में होता क्या है कि डायबिटीज़ और फ्रोजन शोल्डर का क्या कनेक्शन है। डायबिटीज़ में जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है, वो बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट समझ लीजिए, उसमें कोलेजन एक मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होता है, उस कोलेजन पर जाकर के जो एक्स्ट्रा शुगर है वो लिटरली चिपक जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, चिपकने की वजह से स्टिकी हो जाता है और मूवमेंट्स जो है बहुत कम हो जाती है। तो ज़्यादा बड़ी भी शुगर जो है जाकर के अटैच हो गई आपके कोलेजन पर, जो प्रोटीन आपके कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट का होता है, उसकी वजह से आपके शोल्डर मूवमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर होता ये है कि पेशेंट्स जो है फ्रोजन शोल्डर की वजह से मल्टीपल डॉक्टर्स विजिट करते हैं, बार बार यहाँ वहाँ जाकर बताते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है या वो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट पहले से है और शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, उसको ड्रॉप करने के सिवा उनके पास बाकी ऑप्शंस बहुत कम है। तो आपको क्या करना है अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, जॉइंट मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्बिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। अगर आप डायबिटिक हो तो आपका फास्टिंग पीपी एचबीएनसी बहुत कंट्रोल में होना चाहिए। इसके 3 स्टेजेस होते हैं फ्रोजन शोल्डर के। इनिशियल जो फ्रीजिंग स्टेज होता है वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक होता है, जिसमें बहुत पेन होता है, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है ये बहुत कम हो जाता है, ज़्यादा कंधा हमारा उठता नहीं है। इसके बाद एक फ्रोजन स्टेज आ जाता है, और उसमें जो है कम दर्द तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। थर्ड स्टेज जो होता है थॉइंग स्टेज होता है, जिसमें चीज़ें सेटल हो जाती है लेकिन कुछ इंजरीज बाकी रह जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये हो जाए तो हम क्या करें? एक तो हमने समझा कि ब्लड शुगर लेवल हमें कम करना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन है तो उस वक्त आपके फिजिशियन से या ऑर्थोपेडिशियन से आप उसका टेम्पररी एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजियोथेरेपी, जो एक्सरसाइजेस वगैरह हमें करनी है, तो वो एक्सरसाइजेस से होगा क्या कि आपका जो स्ट्रेचिंग वगैरह होने से मूवमेंट्स और बढ़ेगी, और जो आपका मोशन कम हो गया है, रेंज जो कम हो गई है, वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो ये जो हमने आज वीडियो बनाया, इसके पीछे वजह ये थी कि लोगों को ये पता ही नहीं कि फ्रोजन शोल्डर का जो है बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज़ से है। तो अगर आपको न्यू फ्रोजन शोल्डर डेवलप हुआ है तो आप डायबिटीज़ का चेकअप करके उसके साथ साथ जो है अपना जो है फ्रोजन शोल्डर का इलाज भी कीजिए। थैंक यू।